हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में हमें कौन से लेवल से देखने को मिल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इधर अपसाइड या डाउनसाइड, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम चार्ट के ऊपर डिटेल में चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन किया है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। अभी रिसेंटली आप जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर जिसे आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने 300 जो 50 के लेवल से यहाँ पर हमारी, जैसे यहाँ पर हमने इसे क्रॉस किया, काफ़ी अच्छी वन डायरेक्शन यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिली थी, काफ़ी अच्छी इंपल्स मोमेंटम देखने को मिली यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक फ्लैग पैटर्न के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, और जैसे यहाँ पे इस फ्लैग पैटर्न के यहाँ पर हायर साइड का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, काफ़ी अच्छी वन डायरेक्शन अगेन मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और जो प्राइस एक्शन उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे जो हाई राइज का जो पैटर्न है इसे यहाँ पे रिज्यूम करते हुए देखने को मिला। जो मेजर ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से जो मूवमेंट हम यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अच्छे लेवल्स के साथ यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन है। जो लास्ट टू डेज से यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन आप देख सकते हो, प्रीवियस जो हाईस थे यहाँ पर हमारे पर्टिकुलर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला, और जैसे यहाँ पर हमने इनसाइड कैंडल का हाई को जैसे क्रॉस किया काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हाई साइड की मूवमेंट देखने को मिली थी। सिमिलर यहाँ पर अभी उसी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 442 की लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इस लेवल को फ्लैट ओपन हो जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे इसे क्रॉस कर जाते हैं तब जाके हमें यहाँ पे बाय पोजीशन को एंटर करके चलना है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करें, लेकिन जैसे यहाँ पर हम अर्ली मॉर्निंग जो लोग इंटरडे करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमें इस हाई को क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाता है तब जाके हमें यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके चलना है। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो आपको सूटेबल लगे। जैसे हम स्मॉल टाइम फ्रेम में इसके ऊपर हम क्लोजिंग बेसिस कर जाते हैं तब जाके यहाँ पर हमें बाय पोजीशन को एंटर करके चलना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसका लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और इमीडिएट स्विंग फॉर्मेशन होगा उसका आप सेफ साइड स्टॉप लॉस लगा यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइट एक्सपेक्टेशन रहेगा, यहाँ पर जो 450 की जो नेक्स्ट लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन सकती है, और ये जो कि एक राउंड नंबर है। तो यहाँ पर हम जैसे 442 लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तब जाके हमारा जो टारगेट निकल जाएगा 450 के लेवल, यहाँ पे हमें टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो मिनिमम 6 to 7 rupees के यहाँ पे क्विक मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम बाय पोजिशन को एंटर करके यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 2 to 3 rupees का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर आप 1:2 यहाँ पे एक्सपेक्ट करके कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए आप 450 का जो सही रहेगा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाते हैं तभी जाके यहाँ पे हमें बाय पोजीशन को एंटर करके चलना है। अगर सपोज मान लो यहाँ पर हम गैप अप ओपन हो जाते और अब तक गैप अप ओपन यहाँ पर हम डाउन साइड की बेयरिश कैंडल फॉर्म कर जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, और अब तक बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हम इसका फॉलोअप कर जाते हैं डाउन साइड में तब जाके हमारा जो बाइंग व्यू बनेगा यहाँ पर हमें इसे अवॉइड करके चलना है। तो यहाँ पे पॉसिबल बन सकती है कि यहाँ पर एक यम पैटर्न का डबल टॉप पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन बन सकता है, और यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पर हमें बाइंग व्यू, जो हमारा बाइंग व्यू रहेगा बाइंग साइड का, उसे यहाँ पर हमें अवॉइड करके चलना है। जैसे हम यहाँ पे 442 के लेवल हम सस्टेन करेंगे तभी जाके हम यहाँ पे बाय पोजीशन को एंटर करेंगे, और बाय चांस यहाँ पर गैप ओपन हो जाते थे या गैप डाउन ओपन हो जाते उस केस में यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल फॉर्मेशन देखने मिल जाता है, उसका फॉलोअप देखने मिल जाता है। तो उस केस में यहाँ पे एनी हाउ कंडीशन यहाँ पे हमारा बाइंग व्यू का यहाँ पे अवॉइड करके ही चलना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे कल के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।